नैनीताल जिले में मानसून को लेकर 9 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने नैनीताल में भारी बारिश होने की संभावना भी जताई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार हैं, जिसको देखते हुए नैनीताल जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्बयाल ने आपदा से संबंधित अधिकारियों और तहसीलों में बने कंट्रोल रूम को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने भारी बारिश से नुकसान होने पर आम जनमानस को तत्काल देवी आपदा कंट्रोल रूम और जिला आपदा परिचालन केंद्र पर संपर्क कर जिला प्रशासन को सूचित करने का अनुरोध किया। साथ ही जिलाधिकारी नैनीताल ने भूस्खलन संभावित स्थलों की नियमित मॉनिटरिंग करने और सड़क बाधित होने पर संबंधित विभाग को आवश्यकता अनुसार जेसीबी लगाकर तत्काल सड़क खुलवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं नदी और नालों के जल स्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए अधिकारी को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने SDRF और जिला प्रशासन को तत्पर रहने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। जैसे सड़कों के संबंध में करनी होती है तो उसमें PWD डिपार्टमेंट ने जगह जगह पर लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट में 43 के करीब JCB मशीनें लगाई हैं, और किसी आपातकालीन स्थिति के लिए हमारे दो जगह पे SDRF की टीमें, एक तो राजभवन में है और कुशाकटोली में। ऐसे ही अगर गौला क्षेत्र में जाएंगे और कोसी में जाएंगे तो वहाँ पर उनके पूरे वार्निंग सिस्टम्स लगे होते हैं।